मध्य प्रदेश में व्यापम घोटाला मामले में 5 दोषियों को 7 साल की सजा। मध्य प्रदेश के बहुचर्चित व्यापम घोटाले में भोपाल की विशेष सीबीआई कोर्ट ने 5 लोगों को मंगलवार को सजा सुनाई, जिसमें एक परीक्षार्थी, एक बिचौलिया और एक परीक्षार्थी की जगह परीक्षा देने वाला शख्स शामिल है। कोर्ट ने दोषियों को पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में अनियमितता मामले में 7 साल की सश्रम सजा सुनाई। इस मामले की जांच पहले एसटीएफ के पास थी, जिसके बाद यह जांच सीबीआई को सौंप दी गई थी। सीबीआई के वकील सतीश दिनकर ने बताया कि व्यापम घोटाले में जांच के बाद सजा की यह पहली कार्रवाई है।